हेलो दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई से प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन परचेस करते हैं तो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले उसको अच्छे से सैनिटाइज कीजिए, उसके बाद ही यूज़ कीजिए। तो आज का जो प्रोडक्ट है हमारा, यह है एक कुक टॉप। तो यह है सूर्य फ्लेम ब्रांड का। तो ये जो ब्रांड है ये 37 ईयर्स ओल्ड ब्रांड है, जो कि काफ़ी अच्छे किचन अप्लाइंसेस और गैस स्टोव बनाता है। तो यह 2 बर्नर वाला कुक टॉप, साथ ही यह एक आईएसआई मार्क कुक टॉप, और साथ ही इसमें आपको मिलता है हाई थर्मल एफिशिएंसी एलपी गैस किचन कुकटॉप, और साथ में 2 साल की वारंटी मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसमें साथ ही आपको जो डिटेल देखने को मिलेगी वो है, इसमें आपको एमआरपी दी गई है जो कि है 5145, पर ये मैंने अमेजन से 2599 में परचेज़ की है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही दोस्तों, जब भी आप एक कुकटॉप परचेज करते हैं तो वो एक ट्रस्टेड ब्रांड का ही लीजिए। साथ ही वो जो कुकटॉप है वो एक आईएसआई मार्क वाला ही होना चाहिए। तो आप जब भी एक कुकटॉप लेते हैं तो इन दोनों बात का ज़रूर ध्यान दीजिए, और इनमें से किसी बात का कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। तो दोस्तों, अब मैं ये प्रोडक्ट आप लोगों के सामने अनबॉक्स करता हूँ। तो सबसे पहले, जैसे ही आप इस बॉक्स का कवर ओपन करते हैं तो आपको इसमें मिल जाता है आपका कुक टॉप, या फिर जिसको आप गैस स्टोव भी कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से यह है कुक टॉप। तो मैं ये बॉक्स का कवर रख देता हूँ साइड में। और साथ ही दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ये है स्टेनलेस स्टील वाला गैस स्टोव, और कुछ इस तरीके से ये पैक आता है इस बॉक्स में। साथ में आपको मिलता है थर्माकोल का सपोर्ट, ताकि जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल फिक्स है, मूव ना करे अपने स्पेस से। तो अब मैं फटाफट जो है इस गैस स्टोव को निकाल लेता हूँ इस बॉक्स से, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या और देखने को मिलता है। तो आप जैसे इसको निकालते हैं तो आपको इसमें और 2 बॉक्सेस देखने को मिल जाते हैं। तो अब मैं आपके सामने फर्स्ट बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे आप ओपन करते हैं तो इसमें आपको मिलते हैं पैन सपोर्ट। तो ये है स्टेनलेस स्टील के पैन सपोर्ट, और अगर मैं बात करूँ इनकी बिल्ड क्वालिटी की तो फ्रेंड्स, ये हैवी है, काफ़ी अच्छी इनकी क्वालिटी दी गई है। तो इसमें आपको 2 पैन सपोर्ट मिल जाते हैं। तो अब मैं दूसरा बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं ओपन करता हूँ फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं इस गैस स्टोव के लेग्स। तो इसमें आपको टोटल जो है 4 लेग्स मिल जाते हैं गैस स्टोव के लिए। तो ये है एंटी स्किड लेग्स, और साथ ही ये रबराइज्ड मटेरियल के हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी दी गई है इनकी। तो ये रहा हमारा गैस स्टोव। तो इसके अगर डिज़ाइन की बात करो तो काफ़ी स्लीक डिज़ाइन मिलती है, और ये जो गैस स्टोव है ये हैवी है, मतलब कि अप्रॉक्स 5 kg का होगा, और उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको मिल जाता है 100% रस्ट फ्री स्टेनलेस स्टील बॉडी, और साथ ही इसका जो कलर है फ्रेंड, जो सिल्वर कलर बोल सकते हैं। तो इसमें आपको मिल जाता है एक यूजर मैनुअल, और साथ ही आपको इसमें मिल जाता है एक वारंटी कार्ड, जिसमें कि 2 साल की आपको वारंटी तो मिलती है, अगर आप चाहे तो 2 मंथ्स और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट का नाम है सूर्या फ्लेम 2B, मतलब कि 2 बर्नर अल्टीमेट ऑटो इग्निशन स्टेनलेस स्टील गैस स्टोव। तो इसमें आपको जो है ऑटो इग्निशन का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि आप बिना लाइटर के भी इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको मिलते हैं हाई थर्मल एफिशिएंट ब्रास बर्नर्स, जो कि आप लॉन्ग आवर्स तक इसमें कुकिंग कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट टेम्परेचर में। तो यह लेफ्ट वाला जो कि लार्ज, और ये राइट वाला जो कि स्मॉल बर्नर है। तो इसमें आपको 2 बर्नर्स मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से यह है बर्नर, जिनकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया दी गई है। इन ब्रास बर्नर्स का जो अपर पार्ट है, आप इनको निकाल भी सकते हैं ताकि आप इनको अच्छे तरीके से साफ कर सकें। तो फ्रंट की तरफ आपको मिल जाती है सूर्य फ्लेम कंपनी की ब्रांडिंग, साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है आईएसआई मार्क। और अगर बात करें हम इनके नॉब्स की, तो यह सुपीरियर क्वालिटी वाले ब्लैक नॉब्स, जो कि काफ़ी बढ़िया इनकी क्वालिटी दी गई है। तो अगर हम पीछे की तरफ जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है गैस पाइपलाइन की रॉड, और साथ ही आपको यहाँ पीछे देखने को मिल जाएगा इसका इग्निशन सिस्टम, कि किस तरीके से जो है ऑटो इग्निशन यहाँ पे इसका सिस्टम दिया गया है। तो ये दोनों बर्नर का आप देख सकते हैं यहाँ पीछे। तो साइड की तरफ हम जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका नोजल, तो यहाँ पर आप आपका जो है गैस पाइप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें पैन सपोर्ट की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है गैस बर्नर के पास में होल्स, जहाँ पर कि ये पैन सपोर्ट परफेक्टली फिट हो जाते हैं, और ये बिल्कुल भी मूव नहीं करते जब आप इस पे बर्तन रख के कुकिंग करते हैं। तो अब मैं आपको इसमें जो हमें लेग्स मिले हैं 4, ये आपको लगा के दिखाता हूँ। तो उसके लिए जो है पीछे की तरफ, जैसे कि आप देख पाए हैं, यहाँ पर हमें होल्स दिए हैं चारों तरफ। तो यहाँ पर आपको जो है आपके लेग्स लगाना है, तो बहुत ही आसान है।
बस आपको एक जो नट दिया गया है इसके साथ आपको इसको कसना पड़ता है। तो अब मैं फटाफट जो है सारे 4 लेग्स को लगा देता हूँ। तो सारे 4 लेग्स को जो है मैंने लगा दिया है और 1 मिनट के अंदर ये लग जाता है, बहुत ही आसान है। तो अगर मैं बात करूँ इन फुट लेग्स की अगर लेंथ, तो काफ़ी अच्छी आपको जो है लेंथ दी गई है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि जो ग्राउंड से जो गैप है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब कि आप जो है क्लीनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं गैस स्टोव के नीचे जो भी। तो अब मैं आपको जो इसके नोजल में गैस पाइप फिट करके दिखाता हूँ। तो बहुत ही इजी है इसको फिट करना, जिसके आप देख सकते हैं कि बहुत ही परफेक्टली फिट हो गया है इसमें। तो अब मैं गैस सिलेंडर का रेगुलेटर ऑन कर देता हूँ, और ऑन करने के बाद अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो नॉब है इसको मैं जैसे ही रोटेट करूंगा तो एक क्लिक साउंड भी आता है। उसके बाद ये जो है गैस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है बिना लाइटर के, आपको लाइटर का बिल्कुल यूज़ नहीं करना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है आप कंट्रोल कर सकते हो फ्लेम अपने अकॉर्डिंग कि आपको कितनी चाहिए। साथ ही इसमें जो आपको फ्लेम देखने को मिलती है वो है ब्लू फ्लेम, जो कि कंप्लीट कम्बशन शो करता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी गैस है वो एफिशिएंटली बर्न हो रही है, इसमें कोई भी वेस्टेज नहीं होती हमारी गैस की। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। साथ ही ये है ऑटो इग्निशन, मतलब कि बिना लाइटर के आप जो है इसमें फ्लेम बर्न हो जाती है ऑटोमेटिकली जैसे आप नॉब को करते हैं टर्न ऑन। तो आपको ये फीचर कैसा लगता है जो नए गैस स्टोव आते हैं उनमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, और जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।